ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कैसा लग रहा है पाकिस्तान से वापस आओ? सामने देखो, इधर देखो। पाकिस्तान से जाने से बहुत सही लगेगा सर, तुम्हारी मेहरबानी होगी कि जो भी छोड़ दिया जाए। किस जगह के रहने वाले और पाकिस्तान कैसे पहुँचे? सतवासा के रहने वाले, कराची इसलिए पहुँच गए हम, बिजर पासपोर्ट था नहीं मेरे पास, बिजर वीजा के बगैर वीजा के बगैर हमने नए वहाँ जाने की भक्ति वीजा पासपोर्ट बाजी वीजा पासपोर्ट के बगैर ही भग के हम वहाँ से, फिर हमने दूसरा वहाँ कौन कौन है परिवार में? माता पिता हैं और बहना हैं और भाई हैं। किस जगह के रहने वाले? सतवासा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। भाई सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी एएससी अरुण माल, मैं एज ए प्रोटोकॉल वाघा बॉर्डर पोस्टेड हूँ। जी सर, आज कितने लोग आ रहे हैं, तो कब से गए थे, कुछ पता है सर? एक्चुअली सानू हमारे सीनियर से हमको 3 दिन पहले मालूम चला था कि पाकिस्तान जो सरकार आज की डेट में जो भारत के रहने वाले 5 नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान सरकार ने पकड़ के उधर अपनी जेल में डाला हुआ था, अलग अलग जेल में डाला हुआ था, उनको रिलीज़ करने हैं। तो सुबह का उनका वेट कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान रेंजर ने अप्रोक्सीमेट 4:15 के करीब 5 कैदी हैं जिनको हैंडओवर किया है, जिनका नाम सतीश बाग, सन ऑफ निवृत्त भोग आरओ काडीवाल आंध्र प्रदेश, दूसरा भाग्य कुमार सन ऑफ शमीलाल आरओ रायपुर छत्तीसगढ़, तीसरा बिरजू सन ऑफ दामू कुमार आरओ सुंदरगढ़ उड़ीसा, चौथा शामसुद्दीन सन ऑफ जुमन आरओ कंगनी मोहल कहानपुर, और एक का नाम सोनू सन ऑफ रोशन, इसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये 5 जो हैं, ये 5ों में से 4 तो इबनॉर्मल हैं जिनको अपने बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बताया वो हमने अपने तौर पे नोट कर लिया, और इनको अभी हमारे डीसी अमृतसर साहब ने तहसीलदार जगसी सिंह जी की ड्यूटी लगाई है इनको रिसीव करने के लिए, वो अभी रिसीव करके एम्बुलेंस गाड़ी 108 नंबर है उनके साथ यहाँ से लेके अमृतसर में इनको क्वारंटाइन करने के लिए लेके जा रहे हैं। इसके साथ हमारी पुलिस की प्रोटेक्शन होगी, जो श्री ध्रुव दहिया जी है हमारे सीनियर कप्तान पुलिस अमृतसर देहाती है, उनकी ओर से एक प्रोटेक्शन लगाई गई है, ये इनको प्रोटेक्शन करके यहाँ से अमृतसर तक ले जाएंगे। सर ये पता चल सका कि कितनी देर होगी इनको गए? ये एक्चुअली मैंने बताया आपको, ये 5 आदमी हैं जिनमें से 4 आदमी ने तो ये डिक्लेयर ही नहीं किया भी उनका ये थोड़ा मेंटली अपसेट है, और जो 5वें हैं वो बता रहे हैं अप्रोक्सीमेट 92 का वहाँ पे है जिसको सजा हुई थी, सजा पूरी होने के बाद उनको आज रिलीज़ किया गया। जी मेरा नाम शमसुद्दीन है। पाकिस्तान क्या कारण था, क्यों पाकिस्तान चले गए थे? घर से नाराज़ होकर पाकिस्तान गया था मैं, जब से वहीं रुका हुआ था। किस जगह के रहने वाले हो? कानपुर के। कितनी देर रहकर आए हो पाकिस्तान? 28 साल। अब कैसा लग रहा है अपने घर वापस जाकर? अपने मुल्क में खुशी होती है, हर किसी को खुशी होती है अपने घर में परिवार में। जी शादीशुदा हो आप? जी हाँ शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे थे? 2 बेटियाँ हैं सिर्फ हमारी। किससे झगड़ा करके चले गए थे? वालिद वालदा से हमारा थोड़ा सा नाराज़गी हो गया था इसलिए मैं चला गया था। कितने साल बाद बारिश वापस आया? 28 साल के बाद वापस आया। तो कैसा? खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने मुल्क में आके, अपनों के भविष्य में जाऊँगा। वो मिलने आए थे कभी आपको पाकिस्तान? जी हाँ हमारे बच्चे आए थे, मेरे बीवी बच्चे आए थे मेरे पास रहे, वो गलती से क्रॉस कर गए थे? नहीं वीज़ा लेके गया था मैं। अच्छा जी हाँ। तो फिर जेल में कैसे चले गए? जेल में तो मेरे को 2012 में इन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा जी हाँ।
मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट से आना चाह रहा था यहाँ, लेकिन वो पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया था, तो हमारे एक जानने वाले ने हमारी मुखबरी कर दी, जिसकी वजह से 2012 में 17 अक्टूबर को मेरे को गिरफ़्तार किया गया। जब से लेकर आज तक मैं जेल में था, 24 अक्टूबर 2020 तक। आवाजी कम टीवी लिए अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।